जय हिंद दोस्तों, हम कर रहे हैं आपके कक्षा 10वीं गणित विषय का 10वां अध्याय जो कि है व्रत। तो व्रत चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी फॉर्मूले तो नहीं है इस चैप्टर में, पर जितने भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये चीजें अगर आपको क्लियर रहती है तो आपके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, उन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इससे पहले भी एक से लेकर के 9वें चैप्टर तक के आपके जितने भी फॉर्मूले हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को चैप्टर वाइज डिस्कस किया गया है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप इनको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10वें के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ठीक है, तो पहला यहां पर ये कह रहा है कि व्रत पर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है ध्यान रखना बच्चों, व्रत पर स्थित किसी बिंदु पर अधिकतम एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना कि जैसे ये एक हमारे पास में व्रत है बच्चों, और इस पे मान लेते हैं कि एक बिंदु बी है, तो इस एक बिंदु बी से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे यहां पर एक अन्य बिंदु ए ले लिया, तो इस ए से केवल एक ही स्पर्श रेखा को खींचा जा सकता है। ठीक है, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या बोला है कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। समझ में आई बात? तो ध्यान दो यहां पर, जैसे मैं बात करूं, ये हमारे पास में एक वृत्त है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, वृत्त का स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये इस बिंदु, इसको ए मान लेते हैं, तो इस बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा होकर गुजर रही है, तो इस स्पर्श रेखा और केंद्र के बीच की जो दूरी होगी, अगर हम इसको इस प्रकार से खींचे, तो इस स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है आप सभी के लिए, ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाला यहाँ पर क्या बोला है कि व्रत पर अनंत या अपरिमित स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना कि एक व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखना है कि अगर व्रत के एक बिंदु से पूछ ले तो एक बिंदु से बच्चों केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जबकि व्रत के ऊपर में पूछेगा तो व्रत के ऊपर में कई प्रकार की या अनेकों अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में चौथा देखते हैं, तो व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु से बाह्य बिंदु से अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान रखना है, जैसे ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक व्रत है, ये इसका केंद्र है, और इस ये पी बिंदु जो है ये बाह्य बिंदु है, यानी कि इस व्रत के बाहर में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब भी किसी व्रत के बाहर में कोई बिंदु स्थित होता है तो हम इस व्रत से उस बिंदु को मिलाने वाली केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर एपी और बीपी, यहाँ पर हमने क्या किया है, दो स्पर्श रेखाएं खींची है। ठीक है, पांचवा जो यहाँ पर दे रखा है वो बोला है कि व्रत के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कि हमारे पास व्रत है, ठीक है, और ये इसका व्यास है। व्यास हम समझते हैं कि व्रत के केंद्र से होकर के वह रेखाखंड जो दोनों तरफ परिधि या परिमाप को स्पर्श करती है उसे हम व्यास कहते हैं। तो ये देखो, इस व्यास का अंतिम बिंदु एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों बिंदुओं पर अगर रेखा खींची जाए, ठीक है, स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तो ये जो दोनों रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी बच्चों, समांतर होंगी। यानी कि जो ए बी होगा वो पी क्यू के क्या होना चाहिए, समांतर। ठीक है, होना नहीं चाहिए, ये होगा। समझ में आई बात? चलो लास्ट यहां पर देखते हैं क्या बोला है कि व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु से व्रत पर खींची गई दो स्पर्श रेखा परस्पर समान होती है। ठीक है, देखो ये लगभग मैं आपको बताऊं तो जो हमने ये चौथी चीज यहां पर पढ़ी थी, ठीक है, कि व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु से बाह्य बिंदु से अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, वो सेम चीज यहाँ पर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, देखो कि ये व्रत का केंद्र है और ये व्रत का बाह्य बिंदु, यानी कि बाहर में स्थित कोई बिंदु है, तो इस पर हमने ये तो देख लिया कि दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है केवल। ठीक है, दो से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती, तो इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी होगी, यानी कि देखो एक तो स्पर्श रेखा एपी है और दूसरी बीपी है, ठीक है, या हम पीए पीबी भी कह दें, तो इनके जो दूरियां होंगी इन दोनों स्पर्श रेखाओं की इस बाह्य बिंदु से दूरी होगी वो क्या होगी बच्चों, समान होगी। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और सारे चैप्टर के, मैंने आपको पहले ही बता दिए, सारे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले और टॉपिक्स हैं उन सभी को छोटे छोटे चैप्टर वाइज फॉर्मूलों की वीडियो जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां पर देखना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।